नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जो तबियत है वो लगातार नाजुक बनी हुई है और इसी बीच एम्स में पहुंचने का सिलसिला जो है नेताओं का वो लगातार जारी है। कल देर रात भी कई नेता वहां पर पहुंचे थे, हालचाल जाना था, और आज सुबह भी लगातार एकाएक करके नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। तो हालत जो है वो बेहद नाजुक बनी हुई है अरुण जेटली की। वहीं पहले वेंटिलेटर पे थे, लेकिन वेंटिलेटर से अब हटाकर ECMO पर उनको रखा गया है। तो 10 अगस्त से आपको बता दें कि जो मेडिकल बुलेटिन है अरुण जेटली का वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। 9 अगस्त को हालांकि उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, तो सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। योगी भी जो है, सीएम योगी आदित्यनाथ, वो भी इस दौरान उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। कल राष्ट्रपति भी वहां पर पहुंचे थे उनका हालचाल जानने के लिए। अमित शाह और डॉक्टर हर्षवर्धन भी एम्स पहुंचे उनका हालचाल जानने के लिए। इसके साथ ही BSP सुप्रीमो मायावती भी उनका हालचाल जानने के लिए एम्स पहुंची है। तो यानी कि एक एक करके नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। लगातार हर कोई उनके हालचाल को जानना चाहता है कि फिलहाल उनकी स्थिति क्या बनी हुई है। लेकिन अपडेट आपको यहां पर ही कर दे, हालत जो है उसमें अभी किसी तरह का सुधार नहीं है। हालत जो है वो जस की तस बनी हुई है, नाजुक हालत है, लेकिन वेंटिलेटर से अभी हटाकर उनको ECMO पर रखा गया है। तमाम और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।